नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं या यूट्यूब चैनल क्रिएट करने जा रहे हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज मैं बताने जा रहा हूं आप लोग कैसे अपने यूट्यूब चैनल में कौन से वीडियोस में कॉपीराइट क्लेम है वो आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और हाँ दोस्तों, और एक बात, मेरे चैनल पर गिव अवे कॉम्पिटिशन चल रहा है। अगर आप भी इस गिव अवे कॉम्पिटिशन में भाग लेना चाहते हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लर्न करते हुए मेरा नाम है पल्लव, आप देख रहे हैं टेक्निकल पल्लव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को अपने मोबाइल पर गूगल क्रोम ओपन कराना है। इसके बाद दोस्तों, अगर आपके मोबाइल पर डेस्कटॉप साइट ऑन नहीं है तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में दाएं तरफ थ्री डॉट दिया हुआ है, यहाँ पर जाकर आप लोगों को डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, आप लोगों को टाइप करना होगा youtube.com और गो का आइकन में क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, देखिए ऐसा एक इंटरफेस चलाएगा आपके सामने। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में आपका चैनल का जो लोगो है यहाँ पर शो होने लगा है। सिंपल से यहाँ पर टैप कर देना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए योर चैनल लिखा हुआ है, आप लोगों को योर चैनल में क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, ये आपका सीधा आपका जो चैनल है यहाँ पर लेके जाएगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक है कस्टमाइज चैनल और दूसरा है मैनेज वीडियोस, आप लोगों को कस्टमाइज चैनल में क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, ये देखिए ये YT स्टूडियो में लेकर जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये सीधा आपके YT स्टूडियो में लेकर जाएगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में बाएं तरफ देखिए आपका चैनल का जो लोगो है यहाँ पर शो होने लगा है। इसके ठीक नीचे डैशबोर्ड का आइकन है, इसके ठीक नीचे आपका चैनल का जो वीडियो है यहाँ पर आइकन दिया हुआ है। सिंपल सा वीडियो का आइकन में क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका चैनल का जो वीडियो है यहाँ पर शो होने लगा है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों, आप लोग कैसे देखेंगे कि आपका कौन सा वीडियो में कॉपीराइट क्लेम है? तो जैसे यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में अपलोड है और दूसरा है लाइव, इसके ठीक नीचे देखिए फिल्टर है, आप लोगों को फिल्टर में क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए एज रेस्ट्रिक्शन और दूसरा है कॉपीराइट क्लेम, आप लोगों को कॉपीराइट क्लेम में क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों, जैसे आप कॉपीराइट क्लेम में क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके चैनल पर जितने सारे वीडियोस में कॉपीराइट क्लेम है वो यहाँ पर शो होने लगेगा। देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 वीडियो में मेरा कॉपीराइट क्लेम है। अब दोस्तों, इसको आप कैसे हटाएंगे कॉपीराइट क्लेम को? तो यहाँ पर देखिए वीडियो है, वीडियो के ठीक बाएं तरफ एक बॉक्स वाला आइकन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए 4 सिलेक्टेड सिलेक्ट ऑल मैचिंग, एक है एडिट और दूसरा है ऐड टू प्लेलिस्ट और दूसरा है मोर एक्शन, आप लोगों को मोर एक्शन में क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए डिलीट फॉरएवर, आप लोगों को यहाँ पर डिलीट करने के लिए बोल रहा है। तो सिंपल से यहाँ पर डिलीट फॉरएवर में क्लिक कर देना होगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए 4 वीडियोस आर अबाउट टू बी डिलीटेड, यहाँ पर आई अंडरस्टैंड दैट डिलीटिंग इज परमानेंट एंड कैन नॉट बी अनडन, यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक है कैंसिल और दूसरा है डिलीट फॉरएवर, आप लोगों को डिलीट फॉरएवर में क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, ये डिलीट हो जाएगा, यानी कि आपके चैनल पर जितने सारे कॉपीराइट क्लेम हैं ये डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप ऐसे ही अपने चैनल में जितने सारे वीडियो में कॉपीराइट क्लेम है वो यहाँ से आप हटा सकते हैं। तो आप ऐसे ही अपने मोबाइल से अपने YouTube चैनल पर कौन से वीडियोस में कॉपीराइट क्लेम है वो आप देख सकते हैं और इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसा ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और हाँ दोस्तों, और एक बात, मेरे चैनल पर गिव अवे कॉम्पिटिशन चल रहा है। अगर आप भी इस गिव अवे कॉम्पिटिशन में भाग लेना चाहते हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ में आप लोगों को कॉमेंट्स भी करना होगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।